हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2023 की स्टार्टिंग में अब बस कुछ दिनों का वक्त ही बाकी रह गया है। ऐसे में आईपीएल 2023 की स्टार्टिंग से पहले आप सभी आईपीएल टीमें अपनी अपनी ब्रांड न्यू जर्सी को आईपीएल 2023 के लिए आउट करते हुए हमें नजर आ चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में सभी आईपीएल टीमों की ब्रांड न्यू जर्सी आप लोगों को दिखाई जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को हर एक आईपीएल टीम की जर्सी और उसके साथ ही उनके लोगो और टाइटल स्पॉन्सर के बारे में भी अपडेट मिलेगी। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करो, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 से पहले अभी तक टोटल 10 में से 5 आईपीएल टीमें अपनी नई जर्सी को रिवील कर चुकी हैं और बाकी की 5 आईपीएल टीमें भी जल्दी ही आने वाले दिनों में आप लोगों को अपनी जर्सी को रिवील करते हुए नजर आएंगी। तो सबसे पहले अगर उन टीमों की बात की जाए जो कि अपनी जर्सी को चेंज कर चुकी हैं, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर एमआई की टीम की आईपीएल की साल की यानी कि 2023 की जर्सी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मुंबई इंडियंस की जर्सी में कलर में तो काफी सिग्निफिकेंट चेंज कर दिया गया है, जहां पर आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी का कलर कुछ ज्यादा ही डार्क ब्लू था, जो कि हमें उतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं नजर आ रहा था। लेकिन इस बार की मुंबई इंडियंस की जो जर्सी है वो पर्सनली मुझे 2021 और 22 से काफी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर एमआई की टीम ने चूज किया है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। कमेंट करके आप लोग बताइए आप कितने मार्क्स देंगे इस जर्सी को 10 में से। इसके बाद हम बात करते हैं पीवीकेएस की टीम की, तो पीवीकेएस की जर्सी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे इस जर्सी में। जिस तरीके की पहले जर्सी होती थी उसमें एक आध स्पॉन्सर्स वगैरह का चेंज है, इसके अलावा पीवीकेएस की जर्सी आप लोगों को सेम टू सेम ही देखने को मिलने वाली है। इनके बाद इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है गुजरात टाइटन्स की टीम का, जहां पर गुजरात टाइटन्स की टीम ने अपनी जर्सी इस बार रिवील कर दिया। तो इनकी जर्सी का कलर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। इसके साथ ही जीटी की जर्सी में आप लोगों को एक छोटा सा स्टार भी इनके लोगों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस स्टार का मतलब है कि जीटी की टीम ने लास्ट ईयर आईपीएल का टाइटल जीता था, तो शायद जितने नंबर ऑफ टाइटल जीटी की टीम जीतती जाएगी उतने स्टार इनकी जर्सी के ऊपर ऐड होते चले जाएंगे। इनके बाद इस लिस्ट में आती है एलएससी की टीम। एलएससी की जर्सी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा इस जर्सी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि डेक्कन चार्जर्स उनके साथ ही दिल्ली डेयरडेविल्स की जो टीम थी उनके कलर को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मिक्स कर दिया है। तो ऐसे में एलएससी की ये जो जर्सी है इसको आप लोग बताना कैसी आपको लग रही है, कि आपकी रेटिंग रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, तो केकेआर की टीम भी एक नई जर्सी और उसके साथ ही एक नए टाइटल स्पॉन्सर के साथ हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप लोग केकेआर की जर्सी देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है देखने से कि सैचुरेशन इन्होंने अपनी जर्सी का बढ़ाया है। इसके साथ ही इनका एक नया स्पॉन्सर भी आ चुका है, जो कि है माई फैब 11। इसके अलावा जो बाकी की टीमें हैं, अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, राजस्थान रॉयल्स की, सनराइजर्स हैदराबाद की, दिल्ली कैपिटल्स की और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो ये सारी टीमें जैसे ही अपनी जर्सी को रिवील करती हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वैसे भी आईपीएल से एक हफ्ता पहले हमारे टेलीग्राम के ऊपर बहुत बड़ा गिव अवे आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।